हल्द्वानी से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ पर एक पूर्व सैनिक का इकलौता बेटा ट्रेन से कट गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। अब अंदेशा तो यहाँ तक जताया जा रहा है कि युवक के ऊपर से दो ट्रेनें गुजरी हैं। दरअसल आपको बता दें, भोटिया पड़ाव चौकी प्रभारी कुमकुम धानक का कहना है कि सुबह करीब 7:30 बजे आवास विकास रेलवे क्रॉसिंग से करीब 150 मीटर आगे रेल ट्रैक पर शव पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की तलाशी ली तो उसके पास से एक आधार कार्ड मिला। युवक की शिनाख्त भवाली के रेहड़ी निवासी मयंक पांडे के तौर पर हुई, जिसके बाद उसके परिजनों से संपर्क किया गया तो पता लगा कि मयंक पंजाब स्थित एक कंपनी में जॉब करता था। करीब 2 हफ्ते पहले ही वो छुट्टी लेकर घर लौटा था। मयंक के पिता रमेश चंद्र पांडे सेवानिवृत्त सैनिक है और उसकी मां सरोज पांडे मंगोली में संचालित एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद पर तैनात है। वही मयंक की एक छोटी बहन वैशाली है, जो कि निजी स्कूल में शिक्षिका है। मयंक माता पिता का अपना इकलौता बेटा था। उसकी मौत से परिवार में अब कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को मोर्चरी भेज दिया। बताया जा रहा है कि मयंक के ऊपर से दो ट्रेनें गुजरी हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस इस बात की भी जाँच कर रही है कि भवाली का रहने वाला मयंक हल्द्वानी में क्या कर रहा था। अब ये सब जांच का विषय है, जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल मयंक के घर में सभी का हाल बेहाल हो चुका है।